16,000 एजुकेटर की भर्ती के बारे में नई अपडेट। इन जॉब्स की जो समरी है 17 अगस्त को फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दी गई, वहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट से 22 अगस्त को इस समरी को सेक्रेटरी लॉ को भेज दिया गया है। सेक्रेटरी लॉ ने 24 अगस्त को इसको मिनिस्टर लॉ के ऑफिस में भेज दिया है। मिनिस्टर लॉ के ऑफिस से ये समरी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में भेजी जाएगी और फिर वहाँ से ये समरी सीएम के ऑफिस में भेजी जाएगी। सीएम ऑफिस में जाकर सीएम से मंजूरी के बाद ये अगर इस पर कोई एतराज़ वगैरह ना लगा तो इंशाल्लाह चंद दिन में इसका इश्तहार आ जाएगा। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए एक और अच्छी खबर, महकमा बहबूद आबादी ने नई भर्ती की इजाज़त मांग ली। महकमा बहबूद आबादी 652 असामियों पर नई भर्ती का प्रोग्राम रखता है। महकमा बहबूद आबादी पंजाब ने नई भर्ती की इजाज़त के लिए समरी महकमा ख़जाना को अरसाल कर दी है। महकमा ख़जाना की इजाज़त के बाद काबीना कमेटी से मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। साजा की हाज़िरी को ऑनलाइन कर दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग हासिल करने वाले तमाम असाज़ा की हाज़िरी को आज से ऑनलाइन कर दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कायद एकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के ज़ेरे एहतमाम होने वाली असाज़ा की तमाम तरबियती वर्कशॉप को ऑनलाइन कर दिया है। ट्रेनिंग हासिल करने वाले असाज़ा ऐप डाउनलोड करेंगे।